हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज मैं आपको एक कैंप की सैर कराने वाली हूँ। कैंप के बारे में कुछ बताऊँगी, अच्छा अच्छा क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, कैसे रहते हैं लोग कैंप में और यहाँ का एरिया कैसा है, ये सब बताने वाली हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कैंप की तरफ। चलो लेट्स गो। के बिना कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है कैंप में। सो चलते हैं, लेट्स गो। ये हमने हेलमेट लगा लिया है, चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे फैमिलीज रहती कैसे हैं मैं बताती हूँ, कैसे क्वार्टर्स होते हैं। आर्मी पर्सन्स की फैमिली कैसे रहती है, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है कि इन क्वार्टर्स में रहने के लिए। सो इस तरह से क्वार्टर्स में रहते हैं आर्मी की फैमिलीज़। और यहाँ पे स्कूल्स वगैरह की भी फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पे ये केवी स्कूल दिया हुआ है इनने यहाँ पे बना रखा है कैंट में, तो स्कूल की भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। आते हो कैंट में तो कैंट आपको हर सिटी में तो नहीं, मतलब कुछ कुछ सिटीज़ में मिल जाएगा। सो अगर जब भी आप कैंट में जाओ तो कैमरा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ पे ये टीचर्स के क्वार्टर्स के लिए भी जगह दी गई है, जैसे टीचर्स स्कूल में पढ़ाने आते थे उनके लिए फैसिलिटी है कि भाई यहाँ पर। और यहाँ पर आप कैमरा लेके यहाँ पे आओ जब भी, और यहाँ पे फ़ोटोशूट भी अच्छी होती है, फ़ोटोशूट कर सकते हो आप कैंट में आके। और व्यूज़ देख रहे हो कितने अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब सब चीज़ आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, जैसे MH होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल होगा, जिम होगा, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होंगे। और ये ऑफिसर्स के रहने के जो बंगलोज़ हैं वो यहाँ पे, ये ऑफिसर्स के बंगलोज़ हैं, देख सकते हो। और रेस्टोरेंट्स भी दिए हुए हैं आर्मी की फैमिलीज़ के लिए, सिनेमा हॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बना रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हो सुबह शाम। और हालांकि हम भी आते हैं रोज़ यहाँ पे वॉकिंग करने सुबह शाम। आज मुझे बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है लॉकडाउन खुलने के बाद कि मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना कैंट की बनाया जाए वीडियो, तो फिर मैं आज आ गई वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे प्लेग्राउंड भी दिया है, ये बास्केटबॉल ग्राउंड दिया खेलने के लिए, और ये रेस्टोरेंट है एक आर्मी कैंट के अंदर ही है। सो यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, और लाइब्रेरी भी है इसी के अंदर, सिनेमा हॉल भी है और लाइब्रेरी भी है। अलग अलग यूनिट्स होती है आर्मी में, तो उनके लिए यहाँ पे वो दिया हुआ है। यहाँ पे मंदिर भी दिए हैं, मस्जिद भी दिया है, और गुरुद्वारा भी है आगे। कि ये अलग वर्ल्ड है एक अपने आप में ही, सिटी से जो अलग करता है और अपने आप को, और सबसे मतलब सबसे बेस्ट जगह प्लेस है ये। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, चाहे आप आ सकते हो जब भी आना चाहो।
यहाँ पे फैमिली वेलफेयर सेंटर दिया हुआ है इनने। यहाँ पे फैमिलीज़ की जो मीटिंग होती है, जो आर्मी पर्सन के जो फैमिली होती है उनकी मीटिंग होती है ऑफिसर्स के साथ, यहाँ पे वही पार्क वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ का ये फ़ोटोशूट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि हमने बना रखा है वैसे, और हम यहाँ पे आते हैं फ़ोटोशूट करने के लिए। सो हम आज फ़ोटोशूट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम फ़ोटोशूट करने आए हुए हैं, यहाँ पे हम फ़ोटोशूट करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे खेलने के लिए भी है बच्चों के लिए, बट यहाँ पे हमने इस तरह से डेकोरेट किया, जैसे ब्रेक बॉटल्स होते हैं उनके, जब से हमने लाइट वगैरह के लिए बना रखा है। और बट ये रात को बहुत अच्छा दिखता है, देखना चाहो तो अगर आ सकते हो टेंट में कभी, और बहुत सही दिखता है ये प्लेस, बहुत अच्छी है फ़ोटोशूट करने के लिए। और यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है गेम खेलने के लिए, रस्सा कूदने के लिए, ये जो ऊपर चढ़ते हैं इनके, और यहाँ पे ऊपर भी चढ़ सकते हैं, बट यहाँ मैं नहीं चढ़ पाऊँगी क्योंकि यहाँ पानी भरा है टायर में, और शायद मैं यहाँ चढ़ जाऊँ, कोशिश तो यही है, और नहीं मैं उस साइड से जाती हूँ। मुश्किल होगी बट कोशिश, ये जो ऊपर चढ़ गया ये अब मैंने चढ़ लिया, और यहाँ पे आप बहुत सही से मतलब इंजॉय कर सकते हो। सो और यहाँ पे ये हमने झूला बना रखा है, जो कि कोरोना हो रखे हैं मैं छू नहीं सकती इसको, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते होंगे और टच करते होंगे इसीलिए। सो इसमें आप पैर डाल के झूल सकते हो, जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ क्या लगती है कि यहाँ फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा एरिया है, और यहाँ पे यहाँ पे ये रोड बहुत स्ट्रेट दी हुई है, हम पहुँचते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे सिटी के, यहाँ सिटी को छोड़ के यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, पॉल्यूशन भी नहीं मिलता यहाँ पे, और बहुत ग्रीन और क्लीन एरिया है यहाँ पे ये। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अपनी दुनिया है, ये अलग दुनिया बोलते हैं। चलो तो ये दूसरा फोटोशूट पॉइंट आ गया है, जो भी देख सकते हैं वैसा ही है, बट इससे अलग है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है रात को, आपको चल के दिखाते हैं। अच्छा लगता है आना, ऐसी जगह पे रहने वाले को बहुत लकी कहते हैं, और मैं इसमें बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे रहने को मिल रहा है। बच्चे भी दोपहर है, बच्चा भी चलते हैं बनाने के लिए, इसलिए फिर मैं आ गई आज वीडियो बनाने, क्योंकि शाम को यहाँ पे सब घूमते हैं तो बन नहीं पाती थी अच्छे से। आप मेरी फ़ोटो व्लॉग से
रिलेटेड फ़ोटोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक की हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप आ सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि ये लोग खेल ही रहे हैं यहाँ पे बच्चे, इस तरह से यूनिट्स होती हैं आर्मी कैंट में, और ये कार्स वगैरह जिप्सी बसेस आर्मी के सारे व्हीकल्स इधर मिल जाएंगे आपको यूनिट्स में। और ये क्वार्टर्स कुछ नई रोड पे जा रही हूँ जो मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ जिस रोड पर, देखते हैं किस तरह से एरिया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, मुझे खुद नहीं पता था। वाओ ये देखो इस तरह से, वाओ मैं आज पहली बार आई हूँ और मुझे खुद कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट तो यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए लगा मुझे कि फ़ोटोग्राफी क्लिक कर सकते हो और सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है आपको। ये ऑफिसर का बंगला है जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस रोड पे आ गई हूँ, तो घर जाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे कुछ पार्क की तरफ, पार्क की भी फैसिलिटीज दी गई है। पार्क बना रखा है यहाँ पे खेलने के लिए, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थोड़ा सा कुछ पार्ट बच गया है कैंट का, अगर मैं उस साइड जाती हूँ कभी तो और दिखाऊंगी आपको उस साइड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.